हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सेफ? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज अब मैं आपको बड़े ही मज़े का जो है नाश्ता कराने वाला हूं। आज समुंदर के ऊपर हम तीन फैमिलियां मिल के जो है प्लान बनाया था कि वहां जाके आज नाश्ता वहां करेंगे। तो आज ये ग्रेंज बीच है जो कि वहां पे एक ये बहुत ही खूब पहली दफ़ा आपको ले कर आया हूँ इस बीच के ऊपर। मैं आज आपको बीच पर ले कर आया हूँ। वो जेटी है सामने, अगर देखें तो ये जेटी बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। ये ग्रीन सारा समुंदर है यहाँ पे, आपको ये दिखा रहे हैं, मैं ये सारा दिखाता हूँ। वो देखें, इन बिटवीन भी एक जेटी बनी हुई है वो समुंदर के अंदर। तो ये आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो वहाँ चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे मिल के नाश्ता करते हैं और आपको नाश्ता भी इंजॉय कराते हैं। मिलते हैं आगे जाकर। दोस्तों, ये जेटी पे पहुँच चुका मैं, आपको दिखाता हूँ ये समुद्र। देखिए आप कितना खूबसूरत है, ये हट बने हुए रेस्टोरेंट है बना हुआ। देखिए आप, ये बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट बने हुए हैं। पब्लिक बैठी हुई है, ये देखें, ये जो भाई आ रहे हैं। ये शॉन भी आ रहा है, ये देखें। आज आपको नाश्ता कराते हैं जनाब, देखिएगा डिफरेंट। बैठने के लिए जी। दोस्तों, हमने बड़ा ही खूबसूरत एक स्पॉट ढूंढा है, ये देखें, ये जेटी के नीचे वहाँ हम आ गए हैं। और ये देखें, अभी आपको नाश्ता कराते हैं। ये देखें जी, पराठे, गर्मा गर्म पराठे हैं, आलू की भुजिया है, और ये पुडिंग है, लस्सी है, चाय है, जूस है, और पता नहीं क्या क्या है। वो देखें, नीचे भी कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जनाब, आज का नाश्ता हम समुद्र पे करने वाले हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये अभी मज़ा आ गया ना, ये देखें जी कितना बिल्कुल समुद्र के। यहाँ पे सर्दी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, और देखें, ये देखें पब्लिक कैसे, जो भाई आपने तो नहाना भी होगा ना अभी, काम गलत हो जाएगा ना अगर नहाए। ये देखिए जी, आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरे बीच, इसके बीच बड़े बड़े हैं। सुबह का कोई छुट्टी का दिन है और छुट्टी की वजह से लोग जो है आके एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आज नाश्ता करेंगे। यस फ्रेंड, जैसे कि हमने नाश्ता कर चुके हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें नज़ारे, देखें समुंदर के, किस तरह से लोग सुबह सुबह आके बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नहा रहे हैं लोग। किस तरह से ये देखें, बने रहिए हमारे साथ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाते रहेंगे छोटे छोटे। थैंक यू जी। दोस्तों, मैं अभी आपको ना ये दिखाता हूँ कि ये समुंदर है जहाँ पे हम घूम रहे हैं, वो जेटी थे, वहाँ हमने नाश्ता किया, बड़े मज़े का नाश्ता किया था। और यहाँ देखिए लोग किस तरह से घूमना भी कर रहे हैं, धूपों के अंदर लेटे हुए हैं, उल्टे होके सीधे होके, ठीक है। और वो देखें, ये देखो, मतलब समुंदर, इसको समुंदर के, ये जो समुंदर तो ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन बिल्कुल ग्रीन है। ये देखें लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, नहा भी रहे हैं, ठीक है, हम भी यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन समुद्र के ऊपर जो आसमान है वो नीला है, वो प्योर नीला है, कोई आलूदगी नहीं है, साफ सुथरा, इतना मज़ेदार है, बस अच्छा लग रहा है, मज़ेदार से एक खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें जी, जो भाई, शकील भाई और शान, तीनों पानी में घुसे हुए हैं। मुझे कहते रहे लेकिन मैं पानी में नहीं गया, मैंने बोला मैं बाहर ही हूँ, मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने बोला कि चलो बाहर जाए। तो ये देखें, ये पानी में घुसे हुए हैं, बड़ी दूर से ये वॉक करते हुए उधर से आ रहे हैं, ओ उधर से वॉक करते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम जेटी के पास पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे हम
नाश्ता किया है आज यहाँ बैठ के। तो एक चीज़ आपको मैं और आज घूम कर दिखाने वाला हूँ कि ये देखें, ये रेस्क्यू जो है वो ये बना हुआ है, एक कैंप लगा हुआ है रेस्क्यू टीम का। तो ये इन्होंने एक फाउंड्री भी दी हुई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी इस फाउंड्री में ये इन्होंने फोकस किया हुआ है कि इस एरिए में जो फाउंड्री ये येलो रेड लगाने का, ये झंडे लगाने का मकसद इनका ये है कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो है वो सीधा जाके आप नहा सकते हैं और 25 के शायद पता नहीं कितने मीटर तक जा सकते हैं आगे पानी के अंदर डीप, लेकिन उस ये जाके उसको रेस्क्यू करके लेके आ सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने बाउंड्री दी हुई है ना कि आप नहाना है किसी ने आगे जाके तो वो इसी बाउंड्री में जाके नहाएं, तो ये उनको पकड़ के ले आएंगे 1500 रुपये से पूरा उसको रेस्क्यू कर देते हैं। बाकी ये बड़ी पहले भी एक इंसिडेंट हमारा हुआ था, ये देखें ये टीम रेस्क्यू सेल्फ रेस्क्यू के नाम से है, ये टीम सारे बैठे हुए हैं, ये गाड़ियाँ भी हैं कश्तियाँ भी हैं, सारा इस तरह से ये बना के बैठे हुए हैं। तो ये अभी आपको मैं इसके बाद आपको लेके चलता हूँ उसके क्या नाम है, ये जेटी जेटी भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखें ये जो ट्रैक लगे हुए ना इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ एरिया, इसके अंदर जाके आप जितना मर्जी वो जाके नहाएं, तो ये उनको ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और इसके अंदर आप यहाँ इस एरिया में जाके अंदर जितना मर्जी न पाए तो ये पकड़ के ले आएंगे, ठीक है जी। थैंक यू जी। दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें ये वॉशरूम है यहाँ पे, एक दो तीन, एक लेडीज है, एक व्हील चेयर का है और एक दूसरा है, ये वॉशरूम पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये समझो कि हर बीच के ऊपर ये चीज़ें ना बड़ी होती है। यहाँ भी देखें ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, यहाँ भी लोग बोटिंग करते हैं आके, स्केटिंग करते हैं, ठीक है, नहाते हैं आके पानी के अंदर। ये समझो कि अभी बीच पे हम खड़े हैं और ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये बीच के अंदर कुछ सहूलियात बहुत होती है, रेस्टोरेंट बने होते हैं, ये देखें शेड बने हुए हैं, लोग यहाँ पे साय में बैठ सकते हैं आके। ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का हॉल है, ये सारे रेस्टोरेंट हैं और वो सामने वो भी रेस्टोरेंट है दूसरा सा। तो ये है पहले ये अभी जेटी में आपको लेके जा रहा हूँ मैं, इसके बाद अभी जेटी भी जाऊँगा मैं, ठीक है, मुझे जेटी देखने खुद जी। दोस्तों मैं अभी आपको जेटी पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पे ना वो देखिए कंपटीशन है, कोई स्विमिंग का लग रहा है कंपटीशन हो रहा है, ये वाला इधर बच्चे ना ठीक है स्कूलिंग या कॉलेज का कोई स्विमिंग कंपटीशन है। देखें जी ये जो भाई हैं और शॉन है ये भी नहा रहे हैं अंदर, ठीक है। वो हवा भी बहुत ठंडी चल रही है लेकिन ये नहा रहे हैं, ये आपको देखें। चलें जी ये आपको जेटी में लेके जा रहा हूँ, ये देखें अभी ये पता नहीं किसी ने कोई क्या हुआ है फिशिंग है ये क्या है,
जैटी के अंदर पहुंच चुका हूं मैं। ठीक है, आ गया हूं। ये जनाब ये जैटी में एंड में पहुंच चुका हूं मैं। ये देखें जी, आपको हम समुंदर दिखाता हूँ, इधर से दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये जेटी का एंड है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ये समुंदर है, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये बच्चों के जो स्विमिंग कंपटीशन है, ये स्कूल के बच्चे हैं सारे। ये देखें तो ये तरफ बहुत दूर तक है, ये कैसे, ये देखो इनके इंस्ट्रक्टर हैं साथ इनके, तो ये स्विमिंग इनको सिखाएंगे। ये भागते हुए बच्चे आए समुंदर के अंदर, आगे भी एक इंस्ट्रक्टर खड़ी है, तो वहाँ तक इन्होंने भागना है, देखना है। और उसके बाद ये समझो कि ये इसी तरह इनको सिखाते हैं, ये उधर से भागते हुए जाएँगे, वो आगे भी एक इंस्ट्रक्टर है देखें, उधर से घूमते हुए आएँगे। तो ये थोड़ा सा इनका स्टैमिना जो है ना, वो स्विमिंग के हवाले से, ये पानी के अंदर किस तरह से भागना है और किस तरह से ये बना रहे हैं। ठीक है जी, ये जैसा कि दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ कि ये बच्चे सारे जितने भी हैं, ये मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं सारे, ये सारे आज स्विमिंग के लिए आए हैं। इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, सारे आए हुए हैं, वो पीछे देखे स्विमिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग बच्चे ना इनके। तो ये इस तरह सब रेस्क्यू टीमें भी एक्टिव हैं और सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं आज। ये जितने भी फ्लैग लगे हुए हैं स्कूलों के फ्लैग हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स के ये डिफरेंट फ्लैग बने हुए हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे कंपटीशन चलता है, तो यहाँ देखे लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं। ये देखें, ये मैं आपको जेटी के ऊपर चढ़ा हूँ और जेटी से जाके ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आपको ये सब चीज़ें। आप इधर से जेटी के इस तरफ देखें तो इधर भी ये देखें, इधर भी स्कूल है, तो इधर रेस्क्यू टीम भी है, उनका उनका बनाया हुआ है उन्होंने पूरे नहाने के लिए, जितने भी उसके अंदर ये जो भाई है और शॉर्ट भी है, देख रही हूँ पानी के अंदर बैठा हुआ है। ये देखिए ये सारे स्कूल की इधर ही स्कूल इधर एक टीम है, इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, सारे टीचर खड़े हैं, तो इस तरह से टीच भी करते हैं। आज आपको ब्लॉग कैसा लगा मेरा, मैं आपको आज आपको समझो कि मेरा एक इरादा था कि आज आपको समुंदर का भी दिखाऊँ। मैं आपको नाश्ता करना था बच्चों ने, वो कह रहे कि चलो आज दो तीन फैमिलियाँ हमने निकलना था, तो वो दिखाया आपको। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं समझता हूँ कि आप बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से ये मैं समझूँ कि व्लॉग करने के लिए आ जाता हूँ, सिर्फ इसकी वजह से कि आप प्यार करते हैं।